4 जून को जयपुर के आमेर में 9 साल की बच्ची की घर से 200 मीटर दूर सड़क किनारे न्यूड लाश मिली। इस मुद्दे पर रविवार को उदयपुर में मीडिया ने जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल किया तो वे नमस्ते कहकर चल दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस जवाब पर और चुप्पी साधने पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने उन्हें घेरा है। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में वो गृह मंत्री है तो उसको एक तरह शर्म आनी चाहिए। एक के बाद एक रोजाना जिस प्रकार की छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही है उसके बारे में एक अपने श्री मुख से शब्द निकालना भी उचित नहीं समझता है। उन्होंने भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में जिस तरह छोटी बच्चियों से रेप की घटनाएं हो रही हैं उन मामलों पर मुख्यमंत्री एक भी शब्द बोलना उचित नहीं समझते। उन्हें तो केवल और केवल अपनी सरकार को बचाना है और कुछ नहीं, इसलिए उन्होंने सारी पुलिस एक एक विधायकों के घर पर निगरानी के लिए लगा दी। वास्तव में अगर वे गृह मंत्री हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए। राज्यसभा चुनाव को लेकर कटारिया कहते हैं कि इस बार का चुनाव गहलोत के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है। केंद्रीय नेतृत्व ने अपने 3 प्रमुख नेताओं को सौंप दिया, अब इन तीनों में से एक भी लुढ़का तो वे स्वयं लुढ़क जाएंगे। यही कारण है कि सारी पुलिस को इन चुनावों में झोंक रखा है। उन्हें प्रदेश की कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। राज्य में कोई भी बड़ी घटना हो उनको इसको लेकर कोई चिंता नहीं है। वर्तमान में जिस तरह कानून की स्थिति प्रदेश में बन रही है वह प्रदेश के लिए वाकई में चिंताजनक और शर्मनाक है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।